लेप्रोस्कोपी क्या होती है, इसके क्या इंडिकेशन होते हैं, और इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी कराने से क्या बेनिफिट होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, और क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये कई सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिता जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल केयर फॉर क्यूट में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, इनमें कई बार होता है सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें कारण का नहीं पता लग पाता है, और इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, और जितने जल्दी ये किए जाएं, जितनी जल्दी हम कारण का पता लगा पाएं, उतना ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावनाएं अधिक होती है। और इन्हीं की जो ये कारण पता करने का और जो इलाज का एक तरीका होता है, वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी बेसिकली एक तरह की दूरबीन होता है, लेप्रोस्कोप, जिससे यूट्रस को, ओवरीज को और ट्यूब्स को चेक किया जाता है, और उस साइमल्टेनियसली अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ट्रीट भी किया जाता है। लेप्रोस्कोपी हमें अगर हमें कोई क्लियर कट कारण मिल जाता है तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपी करना चाहिए। पर कई बार होता है कि कई लोग होते हैं उनमें सोनोग्राफी नॉर्मल है, पर उसके बाद में भी, बाकी के टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय होती है। अगर जैसे कि जिनको पेट में दर्द रहता है, या पीरियड्स के टाइम में पेट में दर्द होता है, इंटरकोर्स के टाइम में दर्द होता है, तो ऐसे लोगों में यूजुअली डॉक्टर्स लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। पर कुछ लोगों में जिनमें कोई भी कारण नहीं होता, उनमें अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय होती है, कुछ एडवाइस करते हैं, कुछ नहीं करते। परंतु कई चीज़ें कि जो भी नॉर्मली हम सोनोग्राफी से नहीं डायग्नोज कर पाते हैं, परंतु स्पेशली जैसे कि पेट में कई स्कार टिश्यू या एडहेशन बन जाते हैं, उसका कारण कोई पहले का इन्फेक्शन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, तो इन चीज़ों को जो ये स्कार टिश्यू या एडहेशन होते हैं, इनको सोनोग्राफी के द्वारा डायग्नोस नहीं किया जा सकता है, और इसको हम लेप्रोस्कोपी से बेहतर तरीके से डायग्नोस और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उससे प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं भी बढ़ती है। कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिनमें हमको लेप्रोस्कोपी डेफिनेटली करानी चाहिए, जैसे कि PCOD होती है, रेजिस्टेंट PCO, जो कि नॉर्मली जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन दी जाती है, या IUI या गोनेडियोट्रोपिन इंजेक्शन है, उनको जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनमें लेप्रोस्कोपी करने से बेनिफिट हो सकता है। PCOD में जो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, एग्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो ये ओवरी में मल्टीपल पंक्चर किए जाते हैं, जिससे हॉर्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है वो थोड़ा ठीक होता है, और पेशेंट को नेचुरली कंसीव करने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड अगर उसके कारण ट्यूब्स ब्लॉक हो रही है या यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्ट हो रही है, तो उसको लेप्रोस्कोपिकली ट्रीट किया जाता है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, इसको भी लेप्रोस्कोपी के द्वारा ड्रेन भी किया जा सकता है, या सर्जिकली इसको रिमूव भी किया जाता है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चॉकलेट सिस्ट है, इसको जब निकाला जाता है तो उससे जो नॉर्मल ओवरी का नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू है वो भी डैमेज होता है, और उससे ओवेरियन रिजर्व कम होने की संभावना होती है। और एंडोमेट्रियोटिक पैचेस ओवरी के अलावा पेरिटोनियम कैविटी में भी इनके डिपॉजिट्स होते हैं, तो इनको भी लेप्रोस्कोपी के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए भी डॉक्टर्स की अलग अलग ओपिनियन होती है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर इनके कारण कोई पेन है या कोई सिम्टम है तो ही इनको मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहिए, अदरवाइज इनको ऐसे छोड़ा जा सकता है। और जो कंडीशंस होती है, जैसे कि ट्यूब्स ब्लॉक होती है सपोज़, तो उसको लेप्रोस्कोपी के द्वारा ओपन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके रिजल्ट वेरिएबल होते हैं, कई बार ट्यूब्स ओपन हो जाती है, कई बार नहीं होती। अगर हो जाती है तो नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है, अगर ट्यूब्स ओपन नहीं होती है तो फिर इसका जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो प्रेगनेंसी के लिए, वो IVF ही है। एक और ट्यूब की कंडीशन होती है जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, जिसमें ट्यूब्स में पानी भर जाता है, तो इस कंडीशन में या तो ट्यूब को सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, जिसको सेल्पिंजेक्टमी कहते हैं, या फिर ट्यूब का जो यूट्रस की तरफ का एंड होता है उस पर क्लिपिंग कर देते हैं और ट्यूब्स को यूट्रस से डिसकनेक्ट कर देते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी होने में हेल्प मिलती है। और इस कंडीशन में हमेशा आगे IVF की ही ज़रूरत पड़ती है। और अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स की प्रेजेंस में विदाउट
ट्रीटमेंट विदाउट इसको सर्जिकली रिमूव किए अगर IVF भी किया जाता है तो उसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी कम होती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें कि हमें लेप्रोस्कोपी डेफिनेटली करनी चाहिए। लेप्रोस्कोपी करने का तरीका ये बेसिकली एनेस्थीजिया में किया जाता है, इसके लिए जनरल एनेस्थीजिया की ज़रूरत होती है, इसलिए पेशेंट का फास्टिंग होना ज़रूरी होता है। इसमें पेट पे 2 या 3 चीरे लगते हैं और पेट के अंदर एक गैस जिसे CO2 कहते हैं उसको फिल करते हैं और अंदर के जो यूट्रस को, ओवरी को, ट्यूब्स को चेक किया जाता है, ट्यूब्स की पेटेंसी चेक की जाती है, अंदर देखते हैं कि कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, एडेशन तो नहीं है कुछ। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको साइमल्टेनियसली ट्रीट भी किया जाता है। इसका जो कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है, तो चूंकि ये एनेस्थीजिया में किया जाता है इसलिए इसमें किसी तरह का पेन ड्यूरिंग ऑपरेशन नहीं होता है, परंतु क्योंकि इसमें चीरे लगते हैं इसलिए ऑपरेशन के बाद में इसमें जो चीरे लगाए जाते हैं उन पे पेन होता है, तो उसके लिए पेन किलर मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा जो अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए गैस फिल करते हैं उसके कारण भी कई बार शोल्डर में पेन होता है, और बेहोश करते टाइम गले में ट्यूब डाली जाती है तो उस ट्यूब के कारण भी इरिटेशन के कारण थोड़ा पेन हो सकता है, परंतु ये जो सारे पेन होते हैं 2-4-5 दिन में टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं और इनके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका मोस्टली लेप्रोस्कोपी के बाद में पेशेंट को सेम डे पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और 3 से 5 दिन बाद पेशेंट नॉर्मली अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, और पेशेंट की फास्ट रिकवरी के लिए उसको पेन किलर और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगर कई बार पेन अधिक होता है या स्टिच में से डिस्चार्ज आने लग जाता है या पेशेंट को फीवर वगैरह आता है या सडन पेन एब्डोमेन बहुत अधिक होता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना होता है। लेप्रोस्कोपी के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जैसे हर सर्जरी में 1-2% केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वैसे ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद भी 1-2% केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एनेस्थीसिया से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्जरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्टिच साइट से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टिच में इन्फेक्शन हो सकता है, हिमेटोमा बन सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, और कई बार अंदर पेट में भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, वो उनमें जैसे ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है, ब्लैडर को या बाउल को या ब्लड वेसल को इंजरी हो सकती है, ऐसा कुछ होता है तो अलग से और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, कभी कभी नर्व्स को इंजरी हो जाती है, और कभी 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 ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं, परंतु फॉर्चुनेटली ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये रेयर होते हैं, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं और ये एक तरह का माइनर ऑपरेशन है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में क्या बेनिफिट हो सकता है ये डिपेंड करता है कि उसका क्या कारण था। अगर जैसे कि ट्यूबल ब्लॉक था और ट्यूब ओपन हो गई है तो पेशेंट नेचुरली भी कंसीव कर सकता है। अगर कारण उसका एंडोमेट्रियोसिस था और हमने एंडोमेट्रियोसिस का ड्रेनेज किया है, एडेशन सेपरेट किया है, तो उसके बाद में भी पेशेंट कंसीव कर सकता है। फाइब्रॉइड वगैरह अगर कारण था तो फाइब्रॉइड रिमूवल के बाद पेशेंट नेचुरली कंसीव कर सकता है, और अगर अंदर स्कार टिश्यू, एडेशन ये सब थे उनके सेपरेट होने के बाद में नेचुरल प्रेगनेंसी में हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह से कई बार पेशेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में नॉर्मल ट्रीटमेंट से या नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं, परंतु अगर पेशेंट 6-8 मंथ्स हो चुके हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी सर्जरी के बाद भी अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर पाया है तो उनको डेफिनेटली फर्दर ट्रीटमेंट और फिर लेटर ऑन IVF के लिए जाना चाहिए। थैंक यू।